नमस्कार। आज खेल के किस्से के मैदान से मैं यहाँ और रेहान जी वहां से आपके लिए लेकर आए हैं एक नए खेल के किस्से की कहानी, जिसके अंदर साल 1956 में एक ऐसी पार्टनरशिप हुई थी क्रिकेट के मैदान पर जो करीब 52 साल तक कोई तोड़ नहीं पाया था। क्या थी ये पारी और किस तरह की पार्टनरशिप थी ये कहानी हम जानेंगे इस खिलाड़ी की कहानी से, जिसका नाम है वीनू मनकड़। तो रिहान जी, वीनू मनकट की क्या सबसे ज्यादा खासियत थी? देखिए, वीनू मनकट ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जितने भी रिकॉर्ड बनाए वो सालों तक रहे, उनको बहुत सालों तक नहीं तोड़ पाया। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, पहले विकेट के लिए पंकज रॉय के साथ उनकी साझेदारी हुई थी 413 रनों की, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ था और ये रिकॉर्ड 52 सालों तक रहा। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा 100 विकेट और 1000 रन सबसे जल्दी पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया था। ये 23 टेस्टों में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसको भी बहुत सालों बाद इंग्लैंड के इयान बॉथम ने तोड़ा था। वरिंदर सहवाग जो भारत के ओपनर हैं, ये 2005 में इनका फर्स्ट विकेट वाला रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक आ गए थे, लेकिन सहवाग को इसका बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वीनू मांकड़ हैं कौन जिनका वो रिकॉर्ड तोड़ने के इतने नजदीक आए। और उसी तरह भारत के बहुत से लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं, उनको भी अंदाजा नहीं है कि वीनू मांकड़ इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं। मुरवंत राय हिम्मत लाल मांकड़ उनका नाम था पूरा। और 12 अप्रैल 1917 को वो पैदा हुए थे। कुल मिलाकर 44 टेस्ट उन्होंने भारत के लिए खेले, 2109 रन बनाए, उसमें 5 शतक, 231 रन उनका हाईएस्ट स्कोर। और इसके अलावा उन्होंने 162 विकेट लिए टेस्ट मैचों में। दोहरा शतक भारत की तरफ से पहला उन्होंने लगाया था और 231 उनका हाईएस्ट स्कोर था। और बहुत सालों तक वो भारत की तरफ से बनाया गया हाईएस्ट स्कोर रहा। 1983 में जाकर सुनील गावस्कर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। 1952 में जो इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट हुआ था, उसको मनकट टेस्ट कहा जाता है, और उसमें सर लेन हटन बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ से। और एक बड़ी मजेदार कहानी है कि आधे घंटे तक वो वीनू मांकड़ की गेंद पर स्कोर नहीं कर पाए और तमाम दर्शकों की तरफ से बूइंग होने लगी और लोग उनपे छींटाकशी करने लगे कि भाई आप रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो हटन ने अपना बल्ला ऊपर उठाकर कहा था कि अगर आप में दम है तो आप ही आकर खेल लीजिए, देखते हैं आप किस तरह से रन बनाते हैं। तो ये महानता थी वीनू मांकड़ की। बीच में से मांग निकाला करते थे और उनकी कमीज के आधे बटन खुले रहते थे। गोरा रंग था और हरे रंग की उनकी आंखें थी और उनमें वो सुरमा लगाया करते थे और स्क्वायर ड्राइव उनका फेवरेट स्ट्रोक हुआ करता था। तो अगर हम इस पूरे खिलाड़ी की अगर हम सबसे पहली जो पारी है जिसमें 1946 के इंग्लैंड दौरे में जब उन्होंने पहली बार नाम कमाया था, मतलब पहली पारी नहीं खेली थी बल्कि पहली बार नाम कमाया था, तो वो जो कमाल था वो क्या कमाल दिखाया था उन्होंने? देखिए, 1946 में जो भारत की टीम इंग्लैंड गई है, इफ्तिखार अली खां पटौदी उसके कप्तान थे, जो मंसूर अली खां पटौदी हैं उनके पिता थे वो। और इसमें कई नामी खिलाड़ी थे, विजय हजारे थे, विजय मर्चेंट थे, मुश्ताक अली थे, लाला अमरनाथ थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम इस दौरे में कमाया वो वीनू मांकड़ ने कराया कमाया। और उनकी एक बहुत ही जबरदस्त क्षमता थी कि वो टीम के हित में किसी भी स्थान पर खेल सकते थे, 1 से लेके 11 तक। और इससे पहले विल्फ्रेड रॉड्स अकेले खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने 1 से लेकर 11 तक सभी पोजीशंस पर खेला है। और मनकट अकेले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड के दौरे पर 100 विकेट और 1000 रन साथ साथ बनाए पूरे दौरे में। इससे पहले वेस्टइंडीज के लियरी कॉन्स्टेंटाइन को ये उपलब्धि मिली थी और जब वो 1928 में इंग्लैंड के दौरे पर आए थे। और जब ये दौरा समाप्त हुआ तो वीनू मांकड़ निर्विवाद रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए थे।
लेकिन इसके बाद वीनू ऑस्ट्रेलिया गए थे जहां कुछ दूसरी ही वजहों से वो खबरों में आए थे, वो घटना क्या थी? 1946 में जो भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी वो फुल फ्लेश टीम नहीं थी, कई खिलाड़ी जो समय चोटी की फॉर्म में थे वो उस टीम में नहीं लिए गए थे, बल्कि अपनी पसंद से नहीं गए थे। फजल महमूद थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, अब्दुल हफीज कारदार थे, ये दोनों तो इसलिए नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान बनने वाला था और ये सोच रहे थे कि ये लोग पाकिस्तान के नागरिक होंगे तो वो भारत के लिए क्यों खेले। मुश्ताक अली भी किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए थे और दो भारत के बेहतरीन खिलाड़ी विजय मर्चेंट और रूसी मोदी, ये बड़े अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन ये लोग भी इस दौरे में नहीं जा पाए। और इस मजे की बात यह कि इस टीम में कोई भी फास्ट बॉलर नहीं था, चार स्पिनर्स लेकर गए थे भारतीय खिलाड़ी, सी एस नायडू थे, अमीर इलाही थे, चंदू सरवटे थे और वीनू बांकर थे। तो लाला अमरनाथ को पता नहीं क्यों अपने स्पिनर्स पर इतना विश्वास नहीं था, तो ज्यादातर खुद बॉलिंग करते थे, हालांकि वो खुद भी मीडियम फास्ट बॉलर ही थे, फास्ट बॉलर नहीं थे, और स्पिनर्स को मतलब उनको बहुत छोटे छोटे स्पेल्स दे रहे थे। एक तो कारण शायद ये रहा हो कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंसिंग पिचेस थी और 8 बॉल्स का ओवर हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय इसके आदि नहीं थे। तो सिडनी टेस्ट में एक बड़े मजेदार घटना हुई जब वीनू मांकड़ ने बिल ब्राउन को रन आउट किया। हुआ ये कि ये मांकड़ गेंदबाजी कर रहे थे और बिल ब्राउन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे और बहुत ज्यादा बैकअप कर रहे थे, बहुत ज्यादा क्रीज से बाहर निकल रहे थे गेंद डालने से पहले। तो मांकड़ ने उन्हें 2 या 3 बार वार्न किया कि अगली बार तुम निकलोगे पहले गेंद डालने से तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगा, लेकिन ब्राउन माने नहीं। चौथी बार जब उन्होंने ये हरकत की तो मांकड़ ने उन्हें बेल्स गिरा दी और अपील की और उनको आउट दे दिया गया। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में तहलका मच गया, जो लोग दर्शक देख रहे थे उन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरी। जो क्रिटिक थे, जो पंडित थे, उन्होंने भी कहा कि खेल भावना के खिलाफ है, लेकिन मांकड़ का सबसे बड़ा समर्थन उनकी विपक्षी टीम के कप्तान डॉन ब्रेडमैन ने कहा। डॉन ब्रेडमैन ने कहा कि ये बिल्कुल नियम के अंदर है और एमसीसी का जो लॉ था 42.15, उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गेंद करने से पहले बल्लेबाज आगे निकल जाता है तो बॉलर को पूरा हक है उसे आउट करने का, और अगर वो इस प्रयास में सफल हो या असफल हो लेकिन उस बॉल को ओवर का अंग नहीं माना जाता, यानी वो बॉल डेड हो जाती है लेकिन आउट हो सकता है। तो बड़ी एक तरह से कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ, पहली बार ऐसा हुआ था कि इस तरह से किसी खिलाड़ी को आउट किया गया। और बिल ब्राउन ने बाद करीब 50 साल बाद इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि गलती मेरी थी, उन्होंने आउट किया था, उन्होंने मुझे वार्न भी किया था, लेकिन मैं डिजर्व करता था, मैंने उनकी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया, और इस तरह आउट करने को मार्केटेड नाम दिया गया। और ये कई सालों तक ही रहा कि इस तरह से कोई आउट करे तो उसको कहा जाता था कि उन्होंने मार्केट कर दिया। तो इस तरह से वीनू मांकड खबरों में आए उस दौरे में। और ये मैनकेडिंग का एक किस्सा तो हमने 2019 में भी देखा था जब ये आर अश्विन ने मैनकेड, जैसे कहते हैं ना, मनकट किया था जॉस बटलर को, और तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आईपीएल का मुकाबला था ये, और लेकिन आर अश्विन ने क्योंकि नियमों के अनुसार उसे उन्हें आउट किया था तो इस वजह से वो आउट थे। वैसे अगर हम 2019 से अब वापस खेल के किस्से में आए जहाँ पर 1948 में जाएं और वेस्ट इंडीज की टीम तब भारत आई थी और मनकट का उस सीरीज में किस तरह का प्रदर्शन था वो बताइए। देखिए 1948 में जो वेस्ट इंडीज की टीम आई तो सबसे दिलचस्प टेस्ट मैच हुआ था बॉम्बे में। भारत को 361 रन बनाने थे जीतने के लिए और एक समय ऐसा आ गया था कि 15 मिनट बाकी थे और भारत को सिर्फ 21 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पूरी डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे, चाह रहे थे कि खेल लंबा खींचे। उसका एक उदाहरण आपको दूं कि गेंद बाउंड्री लाइन पर जा रही थी और विकेट कीपर पैदल चलते हुए बाउंड्री लाइन जा रहे थे गेंद को उठाने के लिए, मतलब दौड़ करके भी नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत हो। एक समय ऐसा आया कि 2 ओवर में भारतीय टीम
इनको 11 रन बनाने थे और पहली पांच गेंदों पर पांच सिंगल्स लेके उन्होंने 5 रन बना ही लिए। छठी गेंद फेंकी जानी थी लेकिन उस समय जो अंपायर थे बापू जोशी उन्होंने अचानक बेल्स उठा ली, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। सबसे पहले तो गेंद गिनने में सिर्फ पांच ही गेंद हुई थी, उन्होंने सोचा कि 6 गेंद हो गई है और फिर करीब 3.5 मिनट का खेल बाकी था, उन्होंने बेल्स उठा दी, ये टाइम भी बचा हुआ था। शायद वो बहुत नर्वस थे, बहुत ज्यादा दबाव था, तो सिर्फ 6 रन से भारत चूक गया उस विजय को पाने में और फिर भारत को 4 साल इंतजार करना पड़ा। इस पूरी सीरीज में विनू मांकड़ ने 17 विकेट लिए, 186 ओवर उन्होंने गेंद फेंकी और इन 17 में से 6 विकेट उन्होंने बॉम्बे टेस्ट में लिए जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। तो 1952 में भारत ने पहली बार टेस्ट मैच में जीत दर्ज की थी और मनकट की इसमें क्या भूमिका रही थी? देखिए बहुत करीब 1932 से भारत ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 20 सालों तक भारत को कोई विजय नहीं मिली थी। इंग्लैंड की जो टीम आई थी 1952 में 1-0 से वो आगे थी सीरीज में, कानपुर टेस्ट उन्होंने जीत लिया था। चेन्नई में जो टेस्ट मैच हुआ उसमें पहले दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 224 रन बनाए और दूसरे दिन विनू मांकड़ ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की और पूरी इंग्लैंड की टीम 266 रन बनाकर आउट हो गई और उसके जवाब में भारत ने इस इनिंग में बहुत अच्छा, उन्होंने जिस तरह से टॉम ग्रेवनी को आउट किया था, उन्होंने ल्योर किया उनको क्रीज से बाहर आने के लिए और प्रबीर सेन जो विकेट कीपर होते थे उन्होंने बेहतरीन स्टंपिंग की। भारत ने जो इसका जवाब दिया, ओली उमरीगर ने 130 रन बनाए और पंकज रॉय ने 111 रन बनाए और 457 रन बनाकर इंडियन टीम आउट हुई और 191 रन की लीड भारत को मिली। और दूसरी पारी में विनू मांकड़ ने एक बार फिर गुलाम अहमद के साथ मिलकर बेहतरीन गेंदबाजी की और इंग्लैंड की टीम 183 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह से एक पारी और 8 रन से भारत की जीत हुई। ये पहली जीत थी भारत के क्रिकेट इतिहास में जो कि उन्हें 20 साल बाद मिली थी और मनकड़ ने इस पूरे टेस्ट में 108 रन देकर 12 विकेट लिए थे दोनों पारियों में मिलाकर और इस पूरी सीरीज में मनकड़ ने 34 विकेट लिए थे जो बहुत सालों तक भारत का रिकॉर्ड रहा एक सीरीज में इतने ज्यादा विकेट लेने का। 1973 में जाकर भगवत चंद्रशेखर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो कि भारत की सीरीज हुई। अच्छा रियान जी, इसी साल मतलब 1952 में लॉर्ड्स टेस्ट को मनकट टेस्ट कहा जाता था। देखिए उस सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी और वहां मनकट से एक बड़ी बेवकूफी हुई से कहा जाए और उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो ये गारंटी दें कि उनको टेस्ट टीम में चुना जाएगा। हालांकि उन्हें ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, 34 विकेट वो ले चुके थे, उनको ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं था। तो पहले टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा और फिर भारत के कई खिलाड़ी गुलाम अहमद और पंकज रॉय ये जख्मी हो गए। फिर इनको पंकज गुप्ता ने SOS भेजा कि भाई विनू मांकट को टीम में शामिल किया जाए और विनू मांकट उस समय इंग्लैंड में ही क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और लॉर्ड्स में इन्होंने लाइनअप था, टॉम ग्रेवनी थे, पीटर मे थे, इसके अलावा डेनिस कॉम्पटन और एलन वॉटकिंस, गॉडफ्रे एवांस, ये सब नामी खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से थे और ये खेल रहे थे और बैट्समैन फ्रेंडली विकेट थी और इन्होंने 73 मैराथन ओवर फेंके हैं और 196 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। और फिर जब ये बैटिंग करने उतरे हैं तो उन्होंने पहली पारी में 72 रन बनाए हैं और फिर दूसरी जितने भी देर उन्होंने क्रीज में बिताया और भारत इतना जबरदस्त प्रदर्शन होने के बावजूद भारत ये टेस्ट मैच हार गया। लेकिन ये इस टेस्ट मैच को मनकट टेस्ट की संज्ञा दी गई जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। अब बारी है आपकी पारी की, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही जब पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था सवाल क्या था? सवाल ये था कि श्रीराम जो कि धावक हैं, एथलीट हैं, वो कितने ओलंपिक खेल चुके हैं
और देखिए इसका जवाब जो है वो दिया है यूट्यूब पर उत्कर्ष जायसवाल ने, पीआई अभिव्यक्ति ने, ओम प्रकाश ने और नीतू कुमारी ने, और फेसबुक पर रघुवर कुमार सोनी और ब्रजेश सिंह कौशिक ने। और इसका जवाब क्या है वो रेहान जी बताएंगे। श्री राम सिंह ने कुल मिलाकर 3 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहले 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में, फिर 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जहां वो फाइनल में पहुंचे, और फिर 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। तो कुल मिलाकर 3 ओलंपिक्स खेले श्री राम सिंह ने। और आज का जो सवाल है जिस पर आप अपनी बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे ये आप डिसाइड कीजिए, और हमें जवाब अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और आज का सवाल ये है कि वीनू मनकट के एक बेटे हैं जिन्होंने कई टेस्ट मैच खेले, और उनका नाम क्या है। तो वीनू मनकट के बेटे का नाम आपको बताना है, आप बताएंगे तो अगले हफ्ते खेल के किस्से में आपके नाम के साथ किस्सों की कहानियां भी किस्से और कहानियां भी होंगे, और खेल तो होगा ही। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।